हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा। एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे CUET की एप्लीकेशन नंबर डाल के एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोगों की तो रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों ने तो कर दिया, बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो अगर हम लोग बात करें, वो उसी बच्चे के साथ हो रही थी जिन्होंने पहले डॉक्टर BR अंबेडकर को सेलेक्ट नहीं किया, जिन्होंने न्यू सेलेक्ट किया है, मीन्स जब CUET की करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तब उन्होंने सेलेक्ट किया है डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी को, तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही होगी। एंड आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आप लोगों ने न्यूली ऐड की होगी एंड दैट्स व्हाई आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर हम लोग बात करें इसकी सॉल्यूशन की, कैसे ये सॉल्व हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉब्लम राइज हो रही है बिकॉज आप लोगों ने CUET में पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया था, डेट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि जो उन्होंने पोर्टल लॉन्च की थी उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते थे जिन्होंने पहले ही डॉक्टर BR अंबेडकर को सिलेक्ट किया था। बट अब जो न्यू सिलेक्ट किया है तो उन्होंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया पोर्टल को, तो आपकी जो करेक्शन विंडो है वो आज बंद हो जाएगी। तो जैसे ही करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी तो ये फिर से अपने पोर्टल को अपडेट कर देंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सब रजिस्टर कर पाएंगे एंड उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इनको मेल करो, ये जो admission@aud.ac.in है ये इनकी मेल वेबसाइट है, जितने सारे बच्चे हो सके जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है वो सब इनको मेल करो, तो ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे एंड जल्दी से जल्दी पोर्टल को अपडेट कर देंगे जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।